Redmi 13C यूजर्स, ये वीडियो देखने के बाद यू गॉट 10 मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ Redmi 13C। इस फोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है जो मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, लाइक फोन स्विच अप करते टाइम गूगल असिस्टेंट का खुल जाना एंड ऐप को जब लॉक करते और ओवरव्यू बटन पर क्लिक करते तो ये सारे ऐप ब्लर नहीं होते एक्सेट्रा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये रहा मेरा होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन में जूम आउट करके नीचे सेटिंग्स पर क्लिक कर ट्रांजिशन इफेक्ट में चले जाना। यहाँ तुमको चार इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो तुमको पसंद है उसे सेलेक्ट कर लेना। फिर बैक होके उसी सेटिंग्स पर क्लिक कर मोर ऑप्शन में चले जाना। जहाँ पहले नंबर पे होम स्क्रीन को क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी मेरा मोबाइल क्लासिक मोड में है, मैं इसे विद ऐप ड्रॉवर में कर देता हूँ, जिससे सारे ऐप्स ऊपर सेलेक्ट करने से मिलेगा और तुम अपने अनुसार भी ऐप को होम स्क्रीन में सेट कर सकते हो लाइक मेरी तरह। फिर बैक होके नीचे सिस्टम नेविगेशन में चले जाना। यहाँ तुमको जो नेविगेशन पसंद है उसे सेलेक्ट कर लेना, लाइक मुझे ये गेस्चर वाला पसंद है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसे राइट लेफ्ट से बैक एंड इस लाइन से होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। अगर ये लाइन शो नहीं करवानी तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। फिर सेटिंग्स के लेफ्ट साइड थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, तुम अपने अनुसार इसे सेट कर लेना। और बीच में विजेट्स पर क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ बहुत सारा ऐप का शॉर्टकट्स मिल जाएगा, जैसे मैं गूगल की सर्च बार को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। और ये क्विक फंक्शन के लॉक को होम स्क्रीन में जरूर से रखना, जिसे डिवाइस को लॉक करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। गेस्चर शॉर्टकट्स में तुम 5 फीचर्स का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना और नीचे तुमको एडिशनल सेटिंग मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर गेस्चर शॉर्टकट्स में क्लिक करना। अगर फोन स्विच ऑफ करते टाइम गूगल असिस्टेंट खुल जाता है तो इस पे क्लिक करके इस सेटिंग को ऑफ कर देना। सेकंड नंबर पे स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, जिसे तुम दो तरीकों से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले नंबर में तुम 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड दूसरे नंबर से वॉल्यूम का नीचे वाला बटन एंड पावर बटन को एक साथ दबाने के बाद तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड नंबर पे लॉन्च कैमरा का ऑप्शन है, इसमें तुम चाहो कोई सा भी ऑन कर सकते हो, जैसे डबल प्रेस द पावर बटन, इसे मैं ऑन कर लेता हूँ, जिसे पावर बटन को दो बार दबाने से कैमरा ओपन हो जाएगी। फोर्थ नंबर से तुम पावर बटन को डबल टैप करके फ्लैश को ऑन कर सकते हो, जैसे मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि कैमरा में भी इसी सेटिंग को ऑन कर दिया था। तो तुम अपने अनुसार से देख सकते हो किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है। एंड लास्ट डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है, जिसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे मैं कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे होगा क्या, जब तुमको कैलकुलेटर का यूज करना हो तो तुम फिंगरप्रिंट सेंसर में डबल टैप करके कैलकुलेटर को ओपन कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन, इसका एक छोटी सी सेटिंग्स है, जिसके लिए तुमको सेटिंग्स में जाना है और साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करके नीचे एडिशनल सेटिंग में चले जाना। फिर तुमको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि साउंड से रिलेटेड है। एग्जांपल, सेकंड नंबर पे टैप साउंड को ऑन करोगे तो स्क्रीन में किसी भी ऐप या किसी भी ऑप्शन को टच करोगे तो टैप करके साउंड आएगा। इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है, तुम अपने अनुसार इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ऐप लॉक करने तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो सेटिंग्स पे जाके सर्च करना ऐप लॉक, उसके बाद इस पे क्लिक करोगे तो तुमको लॉक सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैं पहले से कर चुका हूँ। उसके बाद तुमको जो भी ऐप में लॉक लगानी है उसे ऑन कर लेना। ये तो कर लिया, लेकिन जब ओवरव्यू बटन पर क्लिक करोगे तो तुमको ये सारे ऐप्स ब्लर नहीं दिखेगा, तो इसके लिए तुमको वहीं पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक कर देना। फिर तुमको लॉक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करना। फिर तुमको यहाँ तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो तुम इस सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना, जिससे तुम अब ओवरव्यू बटन पर क्लिक करोगे तो ये सारे ऐप तुमको ब्लर दिखेगा। अब ऐप हाइड करने के लिए सेटिंग पे जाके सर्च करना है हाइड एन ऐप, फिर तुमको पासवर्ड डाल के जो ऐप्स को हाइड करनी है उसे ऑन कर देना। ऐप्स तो हाइड हो जाएगी, लेकिन उसे निकालने के लिए होम स्क्रीन में जाके जूम इन करना है, फिर पासवर्ड को डाल के हाइड किए हुए ऐप्स को तुम यूज कर सकते हो। गैलरी को लॉक एंड हाइड तो कर लोगे, लेकिन गैलरी के फोटो को हाइड करना हो तो इसके लिए गैलरी में जाना है और एल्बम सेक्शन में जाके ऊपर से नीचे स्लाइड करना है, जहाँ तुमको पासवर्ड ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा। फिर पासवर्ड को ड्रॉ करने के बाद नॉट नाउ पर क्लिक कर देना। फिर ये सब हो जाने के बाद, जैसे ये फोटो को हमको हाइड करना है तो इसको प्रेस करोगे तो नीचे ऐड टू एल्बम पे क्लिक कर देना, फिर ऊपर में प्राइवेट एल्बम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। एंड फाइनली जब एल्बम्स में जाके नीचे स्लाइड करके पासवर्ड डालोगे तो तुमको यहाँ पर हाइड किए हुए फोटो एंड वीडियोस देखने को मिलेगा। और ये मोबाइल के नोट्स, मैसेज एंड फाइल मैनेजर में भी ऐसे ही मटेरियल को प्राइवेट कर सकते हो। तुमको भी अगर ऐसी सेटिंग्स करना है तो सेटिंग में जाके सर्च करना इनकमिंग कॉल सेटिंग, उसके बाद इस पे क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन कर देना। स्टेटस बार में एक ऑप्शन है कनेक्शन स्पीड का, जिससे होगा क्या कि जब भी तुम नेट का यूज करोगे तो तुम्हारे मोबाइल में कितने स्पीड से नेट चल रही है वो शो होगा। तो इसके लिए सेटिंग में जाना है और सर्च करना है स्टेटस बार, उसके बाद इस पे क्लिक करके इस ऑप्शन को ऑन कर देना और कनेक्शन स्पीड ऊपर में कुछ इस प्रकार से शो होगी।
अपने होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड स्लाइड करते होगे तो तुमको यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता होगा। अगर ये यहाँ सोनी करवानी है तो सेटिंग्स में जाके होम स्क्रीन में चले जाना, फिर -1 स्क्रीन पे क्लिक करके इस नन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। वीडियो टूल बॉक्स, तुम इस ऐप के लेफ्ट साइड छोटी सी व्हाइट कलर का एक लाइन देख रहे होगे, जिसे तुम टच करके राइट साइड स्लाइड करोगे तो तुमको यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट एंड कास्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे तुम बहुत इजीली स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको सेटिंग्स में चले जाना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में क्लिक करके वीडियो टूल बॉक्स में चले जाना। उसके बाद इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर देना और व्हाइट लाइन को लेफ्ट में रखोगे या फिर राइट में रखोगे इससे तुम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम जिस भी ऐप में वीडियो टूल बॉक्स को रखना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर लेना और ये सारी फीचर्स अपने मोबाइल में जरूर से अप्लाई करना।